उज्जैन माकड़ोन थाना क्षेत्र के बस स्टैंड पर गुरुवार सुबह लगी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को अन्य समाज के लोगों द्वारा गिराने के बाद दो समाज के लोगों के बीच विवाद के बाद पत्थरबाजी की स्थिति बन गई। पुलिस बल मौके पर पहुंचता तब तक गुस्सा आए लोगों ने वाहनों में आग लगा दी। कई दुकानों में भी पथराव किया गया। पथराव में सब इंस्पेक्टर घायल हुए हैं, कुछ और लोगों को भी चोट आई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। सूचना लगते ही कलेक्टर, एसपी, एएसपी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को शांत करने के बाद जांच शुरू की है। इस दौरान माकड़ोन में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। स्थिति सामान्य है। मामले में 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। एसपी ने माकड़ोन थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया। उज्जैन जिले के थाना माकड़ोन अंतर्गत एक घटनाक्रम सामने आया था, जहाँ पे प्रतिमा लगाने को लेके जो गलत तरीके से लगाई गई और फिर उसको जिस तरीके से हटाया गया, दोनों ही विधि विरुद्ध था। इसको लेके पथराव की स्थिति बनी थी, जिसमें घटनास्थल पर तुरंत पहुंच के उसको नियंत्रण में रखा गया। अभी जो यातायात है और ट्रैफिक है सुचारू रूप से चल रहा है और बाजार है पूरी तरीके से खुला हुआ है। प्रमुख जितने भी मार्ग हैं, कस्बे हैं, उसमें लगातार फ्लैग मार्च, एरिया डोमिनेशन वगैरह हो रहा है। इसमें फुटेज के आधार पर जो 6 लोग हैं जिनके द्वारा ट्रैक्टर चला के इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है, वो जिनका ट्रैक्टर है वो, और 4 अतिरिक्त लोग हैं जिनको अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की जा रही है। और इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई जिनके द्वारा कानून को अपने हाथ में लिया गया है उनके विरुद्ध की जाएगी। इसमें जिस प्रकार का घटनाक्रम हुआ है, इसमें किस संगठन की, किस व्यक्ति की क्या जिम्मेदारी है, एक बार प्रॉपर इसमें जब जानकारी आ जाएगी तो उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन के माकड़ोन में गुरुवार सुबह दो पक्ष आमने सामने आ गए। विवाद सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति उखाड़कर तोड़फोड़ करने पर हुआ। एक पक्ष के लोगों ने ट्रैक्टर चढ़ाकर मूर्ति गिरा दी, फिर रॉड और पत्थर मारकर मूर्ति में तोड़फोड़ की। इससे दूसरा पक्ष नाराज हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, उज्जैन।